हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? मैं अपने चैनल पर काफी लंबे समय के बाद आज आया हूँ। कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं चैनल को स्टॉप किया था बीच में, लेकिन अब कंटिन्यू मेरे वीडियोस रहेंगे चैनल में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं भी अपने यूट्यूब में कुछ छाप छोड़ सकूँ। तो इसी बात पर मैं अपने ब्लॉग में आज लेके आया हूँ कि कैसे पनीर चिली मैं बनाऊंगा, कैसे पनीर चिली बनाया जाता है, कुछ प्रोसेस मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं बना रहा हूँ अभी अपने घर पे, तो मैं बाय वन मतलब प्रोसेस कैसे है उसका पनीर बनाने का मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियोस में बने रहे, एंड तक वॉच कीजिए वीडियोस को, और अगर वीडियोस मजे आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर हो सके तो मेरे सपोर्ट के लिए चैनल को शेयर कर दीजिएगा तो आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पनीर चिली बनाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है सोया सॉस। देख सकते हैं ये कढ़ाई में डाला जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ हल्के हल्के धीरे धीरे डाला जा रहा है ताकि जो पनीर है उसका स्वाद और बढ़ सके। देख सकते हैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए इससे पहले इसमें देखिए जो और गैस का ताव देखिए इतना ही रखना है, ज्यादा हमको बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से ये पनीर जो छाना हुआ पनीर है। थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं ब्लॉग में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। और ये देखिए हमारी साथ साथ यहाँ पे देखिए केचप, ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सीजन ये देखिए बिल्कुल ये टोमेटो सॉस, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल टोमेटो सॉस जो पनीर चिली में डाला जा रहा है। देखिए किस तरह हिसाब से डाला जा रहा है। और ये देखिए चिली सॉस सारा डाला जा रहा है, देखिए किस तरह डाला जा रहा है। और कलर देखिए ग्रेवी बन रहा है ना, ग्रेवी आरो डाल चुके हैं। तो गाइस मैं आपको ब्लॉग में दिखा रहा हूँ किस तरह से डाला जा रहा है। इसके बाद हम लोग डालेंगे आरोट ताकि जो इसका गाढ़ा है। ये देखिए पनीर को भी धीरे धीरे यहाँ पे डाला जा रहा है और भुना जाएगा। रुकी 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 रुको 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 खाएगा। हाँ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये देखिए पनीर को भुना जा रहा है बढ़िया से इसको, मतलब ग्रेवी करने के लिए देख सकते हैं। और ग्रेवी करने के लिए इसमें जोर का रेखा से रखना में तनिक पानी डाला जा रहा है। देख सकते हैं पानी हाँ तनिक झारखंडी लगे तो खोटा यूज करे पा रही देखे पा रहा पानी डाले पानी तनिक ज्यादा डाले चाहिए, मतलब गाइस देख सकते हैं पानी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सारा रोट है तो कोई टेंशन की बात है नहीं। और देख सकते हैं ये हम दो रखे हुए छना हुआ पनीर लास्ट तक रखेंगे, इसका क्या राज है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल ये छना हुआ है चारों तरफ से, बिल्कुल कच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और ये देखिए हमारे दो एक्सपर्ट जो पनीर बना रहे हैं, एक मेरी बहना है एक मेरी भतीजी है और उधर देखिए मेरे भाभी जी बिल्कुल देखिए मुस्कुराहट देखिए पनीर एक्सपर्ट है चिल्ली बनाने में। इनका चिल्ली यहाँ पे पूरा झारखंड में फेमस है, झारखंड के चंद्रपुरा में एक नाम है पनीर चिल्ली हब, पनीर चिली हब के नाम से जाना जाता है। लगभग यहाँ पे एक दिन में 50,000 का कारोबार यहाँ पे होता है इनके द्वारा। देखिए बिल्कुल छोटी है लेकिन कारनामे इनके बड़े बड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे पनीर चिली में मैगी मसाला डाला जा रहा है, इनकी राज भी इसमें भी कुछ राज छिपा हुआ है। हमने पूछा था कि क्यों नहीं पनीर मसाला डाल सकते हैं तो उन्होंने बताया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मुंह में अभी तक पानी आ गया इसको देख के, इसलिए आंच को कम करके रखेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक्सपर्ट का कहना है कि थोड़ा सा ताव को कम कर दिया जाए ताकि बेहतर से बेहतर पनीर चिल्ली बनाया जा सके। तो गाइस इसको अब 5 मिनट भूनने के बाद देखिए इसमें हल्का हल्का पानी डाला जा रहा है और थोड़ा ग्रेवी इसमें ज्यादा होगा। तो गाइस अब देख सकते हैं फाइनली मेरा पनीर चिली तैयार हो चुका है। कलर देख के अब ग्रेवी हल्का कम है लेकिन चलेगा काम, हम लोग पूरी बना हुआ है तो पूरी के साथ खा सकते हैं। मेरे साथ देख सकते हैं और भी कुछ बना हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस देखिए मेरे साथ पनीर के साथ साथ बना हुआ ये देखिए बहुत ही मनमोहक मिठास सेवाएं
देखिए किस तरह से लग रही है, लुकिंग देखिए बहुत ही जबरदस्त है। गर्म में इसमें पानी आ जा रहा है, देख देखिए। और इसके साथ जो सबकी पेट भरेगा कहाँ गया। और ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था, ये देख रहे हैं ये आलू नहीं है, ये आटा, बिल्कुल देखिए ये आटा है, देखिए ये आटा है। ये सब पूड़ी छनेगा अभी, तो मैं जब तक पूड़ी नहीं छनेगा मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं करूंगा। पूड़ी छनने के बाद ये ब्लॉग को कंप्लीट करूंगा, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। बिल्कुल मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए पनीर और एक बार कंप्लीट हो चुका है, उसको ढका जा रहा है ताकि ये गर्म रह सके। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका राज क्या है, इसका राज यही है कि मैं इसको जो चिली सॉस के ऊपर ले लिया है, ठीक है, और ये फ्राइड पनीर है। तो इसको क्या करना है कि जो इसमें बचा हुआ सॉस है, सॉस को डाल देना है। मेरे से निकल नहीं रहा ये सॉस, मैं देता हूँ अब निकाली सॉस। इसको थोड़ा निकालने के लिए दिए, देखिए हल्का सॉस डाल दिए, मतलब सॉस लगभग सब खत्म ही हो चुका है, जो बच्चा हुआ कुछ सॉस है वही नहीं गिरेगा, ये भी गुस्सा गया बाबू। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे सॉस आ गया है, गुस्सा गया था बीच में ये देखिए। थोड़ा समझ लीजिए, मैं इसका राज बताऊंगा किस तरह। आप भी अगर पनीर चिली बनाना चाहते हैं तो दो पीस हमेशा रखें, इससे क्या हो कि जो आप चिली खाएंगे या खाना खाने से इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ में है और मैं इसको बढ़िया से, अब थोड़ा कैमरा पकड़िए, मैं इसको टेस्ट करूंगा। वैसे नहीं, हम ऐसे, हाँ देखिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी है ना। अब मैं एक्सपर्ट को खिलाना चाहूंगा एक फिर, आप खाइए।